subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब, डेयर का इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डेयर और नीड ये दो मॉडल वर्ब ऐसे हैं जो मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं और मॉडल वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इन दोनों को सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल द यूज ऑफ डेयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो वहां जाने की हिम्मत करता है तो आपको इस तरह कहना होगा, ही डेयर्स टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है तो डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किया जाता है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ही डेयर्स गो देयर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, हम डेयर्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेयर का इस्तेमाल हम एज अ मॉडल वर्ब नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस डेयर का इस्तेमाल करते हुए एज अ मॉडल वर्ब नहीं कर सकते, सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डेयर को एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको इसी तरह कहना होगा कि वो वहां जाने की हिम्मत करता है, तो हमको इस तरह ही बोलना होगा, ही डेयर्स टू गो देयर, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डेयर विद द अदर एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं तुम अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू डू नॉट डेयर टू गो अलोन, आप अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेयर एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, अब मॉडल वर्ब में किस तरह इस्तेमाल होता है देखिए, इसी बात को, तुम अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते, तो इस तरह कहना होगा, यू डू नॉट डेयर टू गो अलोन। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं आप वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, तो मॉडल वर्ब डेयर का इस्तेमाल आप करते हुए इस तरह बोल सकते हैं, यू डेयर नॉट गो देयर, आप वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, यू डेयर नॉट गो देयर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जिस तरह हमने टू का इस्तेमाल किए, मॉडल वर्ब के तौर पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आप टू इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह ही आपको इस्तेमाल करना होगा, यू डेयर नॉट गो देयर, आप वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या तुम अकेले जाने की हिम्मत करते हो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डू यू डेयर टू गो अलोन, क्या आप अकेले जाने की हिम्मत करते। यहाँ पर डेयर का इस्तेमाल हमने एज अ मेन वर्ब किए हैं और देखिए मॉडल वर्ब किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, डेयर एज अ मॉडल वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप अकेले जाने की हिम्मत करते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डियर स्टूडेंट्स, क्या आप अकेले जाने की हिम्मत करते, तो डियर स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस डेयर से शुरू करना होगा, डेयर यू गो अलोन, क्या आप अकेले जाने की हिम्मत करते। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने डेयर का इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या तुम अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डू यू नॉट डेयर टू गो अलोन, क्या आप अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते। और इसी बात को आप डेयर को एज अ मॉडल वर्ब अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेयर से आपको सेंटेंस शुरू करना होगा, डेयर यू नॉट गो अलोन
क्या आप अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते? डेयर यू नॉट गो अलोन, क्या आप अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते? डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस यहाँ पर डेयर का इस्तेमाल हमने एज अ मेन वर्ब किए हैं, यहाँ एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मेन वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मेन वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब, इन सेंटेंसेस के मानी में बिल्कुल भी जरा सा भी फर्क नहीं है, इनका मतलब सेम होता है, दोनों सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है। आप ये सेंटेंस बोलिए या ये सेंटेंस बोलिए, ये सेंटेंस बोलिए या ये सेंटेंस बोलिए, इस सेंटेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप और इस सेंटेंस का इस्तेमाल भी, दोनों में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं है मानी में, सिर्फ यहाँ पर जो है तो इसके रूल्स बदल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं तो उसके बाद टू का इस्तेमाल किया जाता है, या डेयर का इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब आप कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो है तो टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता डियर स्टूडेंट्स। इस तरह आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इस मॉडल वर्ब का सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, सीखिए, समझिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसने मुकाबला करने की हिम्मत की, उसने मुकाबला करने की हिम्मत की, उसने मुकाबला करने की हिम्मत की, तो आपको इस तरह बोलना होगा ही डेयर टू फेस, ही डेयर टू फेस, उसने ही डेयर टू फेस, उसने मुकाबला करने की हिम्मत की। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने देखे हैं, इससे पहले भी हमने समझने की कोशिश किए हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर जो है तो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हम पॉजिटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर का इस्तेमाल हम एज अ मॉडल वर्ब नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस जो है तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अगर आपको ये कहना हो, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसने मुकाबला करने की हिम्मत की, उसने मुकाबला करने की हिम्मत की, तो आपको इस तरह ही बोलना होगा ही डेयर टू फेस, ही डेयर टू फेस, उसने मुकाबला करने की हिम्मत की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, तो आपको इस तरह बोलना होगा ही डिड नॉट डेयर टू फेस, ही डिड नॉट डेयर टू फेस, उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। डियर स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर जो है तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, तो इस तरह बोलना होगा ही डेयर्ड नॉट फेस, ही डेयर्ड नॉट फेस, ही डेयर्ड नॉट फेस। डियर स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, बस फर्क इतना है कि हमने यहाँ पर डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किए हैं और यहाँ पे डेयर्ड का इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब किए हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, ही डिड नॉट डेयर टू फेस, ही डेयर्ड नॉट टू फेस, दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत की, क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत की, तो डियर स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस जो है तो डिड से शुरू करना होगा, डिड ही डेयर टू फेस, डिड ही डेयर टू फेस, Did he dare to face? क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत की? इसी बात को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, Dared he face? Dared he face? क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत की? Dared he face? क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत की? Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, तो आपको इस तरह बोलना होगा Did he not dare to face? Did he not dare to face? क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की? इसी बात को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, Dared he not face? Dared he not face? Dared he not face? क्या उसने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की? डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मतलब और इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सेम है, इस सेंटेंस का मतलब और इसका मतलब बिल्कुल सेम है, इस सेंटेंस का मतलब और इसका मतलब बिल्कुल सेम है। डियर स्टूडेंट्स, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किए हैं, यहाँ पर डेयर्ड का इस्तेमाल हमने एज अ मॉडल वर्ब किए हैं, यहाँ पर डेयर का इस्तेमाल हमने मेन वर्ब के तौर पे किए हैं, यहाँ पे डेयर्ड का इस्तेमाल हमने एज अ मॉडल वर्ब किए हैं, यहाँ पे डेयर का इस्तेमाल हमने मेन वर्ब के तौर पर किए हैं, या डेयर्ड का इस्तेमाल हमने
मॉडल वर्ब के तौर पर किए हैं। डियर स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स डेयर डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब और डेयर का इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा फॉर्मेट को अपने माइंड में सेव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेट सेंटेंस का फॉर्मूला अगर आपके माइंड में है तो आप बोलते और लिखते वक्त बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होगी। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डेयर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इस सेंटेंस फॉर्मूले में ये सेंटेंस फॉर्मूला देखिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डेयर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स अगर अगर आप ये कहना चाहते हैं आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तो डियर स्टूडेंट्स आप इस तरह कह सकते हैं हाउ डेयर यू टू से सो। आपको आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। डियर स्टूडेंट इसी बात को आप इस तरह भी बोल सकते हैं हाउ डेयर यू से सो। आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरी मुखालिफत करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। मेरा विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर यू टू अपोज मी। इसी बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं हाउ डेयर यू अपोज मी। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये कहना चाहते हैं आपकी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर यू टू टच मी। आपकी कैसे हिम्मत हुई टू टच मी मुझे छूने की। इसी बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं हाउ डेयर यू टच मी। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये कहना चाहते हैं यहाँ आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई तो आप इस तरह कह सकते हैं हाउ डेयर यू टू कम हेयर। इसी बात को आप इस तरह पेश कर सकते हैं हाउ डेयर यू कम हेयर। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं यहाँ बैठने की आपकी हिम्मत कैसे हुई तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर यू सिट हेयर। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं हाउ डेयर यू सिट हेयर। डियर स्टूडेंट्स लिसन वंस अगेन अगर आप ये कहना चाहते हैं ऐसा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर यू टू से सो। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं हाउ डेयर यू से सो। अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरा विरोध करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई तो ऐसा बोलना होगा आपको हाउ डेयर यू टू अपोज मी। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं हाउ डेयर यू अपोज मी। अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर यू टू टच मी। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं हाउ डेयर यू टच मी। डियर स्टूडेंट अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपकी यहाँ आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर यू टू कम हेयर। इसी बात को आप इस तरह पेश कर सकते हैं हाउ डेयर यू कम हेयर। डियर स्टूडेंट अगर आप ये बोलना चाहते हैं यहाँ बैठने की आपकी हिम्मत कैसे हुई तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर यू टू सिट हेयर। इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं हाउ डेयर यू सिट हेयर। डियर स्टूडेंट्स हमने देखा है कि यहाँ पर सिर्फ फर्क जो है तो सिर्फ टू का फर्क है इन जुमलों में बाकी सेंटेंसेस सेम है। डियर स्टूडेंट्स अगर आप टू का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले तो ये डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब होगा। यहाँ पर इन जुमलों में डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किया गया है लेकिन इन जुमलों में डेयर का इस्तेमाल
एज अ मॉडल वर्ब किया गया है, एज अ मॉडल वर्ब। डियर स्टूडेंट्स इसको बार बार पढ़कर अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स यूज ऑफ देयर एज अ मॉडल वर्ब, यूज ऑफ देयर एज अ मॉडल वर्ब। डियर स्टूडेंट्स यूज ऑफ देयर एज अ मॉडल वर्ब, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरी आलोचना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझ पर तनकीद करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, मुझ पर टीका करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो इस तरह आपको बोलना होगा हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज मी, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज मी, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज मी। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझ पर उसकी तनकीद करने की हिम्मत कैसे हुई, मेरी आलोचना करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझ पर टीका करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज मी, हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज मी। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझ पर तनकीद करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी आलोचना करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझ पर टीका करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, तो हमें इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर ही क्रिटिसाइज मी, हाउ डेयर ही क्रिटिसाइज मी, हाउ डेयर ही क्रिटिसाइज मी। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझ पर उनकी तनकीद करने की हिम्मत कैसे हुई, मेरी आलोचना करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, मुझ पर टीका करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, तो इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर दे क्रिटिसाइज मी, हाउ डेयर दे क्रिटिसाइज मी। अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स मुझ पर राजू की तनकीद करने की हिम्मत कैसे हुई, मुझ पर मेरी आलोचना करने की राजू की हिम्मत कैसी हुई, मुझ पर टीका करने की राजू की हिम्मत कैसी हुई, मुझ पर तनकीद करने की राजू की हिम्मत कैसी हुई, तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डेयर राजू क्रिटिसाइज मी, हाउ डेयर राजू क्रिटिसाइज मी। डियर स्टूडेंट्स इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स डेयर का इस्तेमाल हम इस फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे, WH वर्ड प्लस डू, डस डिड प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस डेयर प्लस टू प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये कहना चाहते हैं उसके जाने की हिम्मत कैसे होती है, उसकी जाने की हिम्मत कैसे होती है, उसकी जाने की हिम्मत कैसे होती है, वो जाने की हिम्मत कैसे करता है, तो आपको इस तरह कहना होगा हाउ डज ही डेयर टू गो, हाउ डज ही डेयर टू गो। इंटरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंटरोगेटिव WH टाइप क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसकी जाने की हिम्मत कैसे हुई, उसकी जाने की हिम्मत कैसी हुई, तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ डिड ही डेयर टू गो, हाउ डिड ही डेयर टू गो। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो जाने की हिम्मत क्यों करता है, वो जाने की हिम्मत क्यों करता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाई डज ही डेयर टू गो, व्हाई डज ही डेयर टू गो, व्हाई डज ही डेयर टू गो। डियर स्टूडेंट अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसने जाने की हिम्मत क्यों की, उसने जाने की हिम्मत क्यों की, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाई डिड ही डेयर टू गो, व्हाई डिड ही डेयर टू गो। डियर स्टूडेंट अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो जाने की हिम्मत कब करता है, वो जाने की हिम्मत कब करता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हेन डज ही डेयर टू गो, व्हेन डज ही डेयर टू गो, वो जाने की हिम्मत कब करता है, उसने जाने की हिम्मत कब की, उसने जाने की हिम्मत कब की, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हेन डिड ही डेयर टू गो, व्हेन डिड ही डेयर टू गो। डियर स्टूडेंट अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो जाने की हिम्मत कब कब करता है, वो जानने की हिम्मत कितनी दफा करता है, कितनी बार करता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ ऑफन डज ही डेयर टू गो, हाउ ऑफन डज ही डेयर टू गो। डियर स्टूडेंट अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसने जाने की हिम्मत कब कब की, उसने जाने की हिम्मत कितनी दफा की, तो आपको इस तरह बोलना होगा हाउ ऑफन डिड ही डेयर टू गो, हाउ ऑफन डिड ही डेयर टू गो। डियर स्टूडेंट्स डिड का इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस के लिए किया जाता है और डज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली,
डज हो या डिड हो, डू हो, डज हो या डिड हो, डू हो, डज हो या डिड हो, इन तीनों के साथ में, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डेयर, डेयर का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर किया किया गया है। डेयर का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।